आइए अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन हमने ये सीख लिया कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। नाउ कम टू हाउ टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हाँ जी, सॉल्यूशन में दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकंड सिंप्लेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 10.41 नोट कर दिया है। फॉर्मुलेशन हमने कॉपी कर लिया है और फॉर्मुलेट करना आप सीख गए। वैसे भी एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, उसे फॉर्मुलेट कर लिया। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैक्सिमाइजेशन क्या है, 80x प्लस 100y को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और ये इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। स्टार्ट करें, आइए। सबसे पहले कौन सा मेथड, ग्राफिकल जी। इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले तीनों जो इनइक्वालिटीज आपको दिख रही है, इनइक्वालिटीज का मतलब है इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, इट मींस ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। तो इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में, और हम उसके बाद फिर लाइन बनाना सीखेंगे, एक ग्राफ पे लाइन कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये आपने बचपन में सीखा हुआ है बट आप भूल गए होंगे, इसलिए हम एक बार वापस से देखेंगे। तीनों इक्वेशन जो तीनों इनइक्वालिटीज दी हैं उनकी लाइन बनाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली लाइन उठाते हैं, एक्स प्लस 2y is equal to 720। इसका बनाएंगे हम एक डब्बा। डब्बे में हम x और y के दो पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम हमें टू पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। सिंगल पॉइंट से एक लाइन नहीं बनती, बहुत सारी लाइनें बन जाती हैं। हमें लाइन एक बनानी है तो हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिएंगे, दो पॉइंट्स चाहिए। आप तीन पॉइंट भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको दो पॉइंट्स लेने ही, ठीक है। तो देखिएगा, सहूलियत के लिए हम 1.0 लेते हैं ताकि इजीली प्लॉट कर पाए। यहां पे जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 360, y की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 720। नेक्स्ट 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1800। इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं जल्दी से, आप भी साथ में करिएगा ना। जीरो हो जाएगा 450, 0, 360, कैलकुलेट करके देखिएगा ना। नेक्स्ट इज 3x प्लस y इज इक्वल टू 900। तो प्लॉटिंग करेंगे, 0, 900, 0, 300, ये हो गया, ठीक है। अब इसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है नहीं है, है ना। हाँ जी, अब 360 तक तो जा नहीं सकते हैं। अगर अपन पॉइंटिंग करें 1, 2, 3 तो 360 बहुत ज्यादा होगा, तो हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, मतलब कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। तो मैं कॉमन फैक्टर ले ले रहा हूं इसमें 60, ठीक है। 1 unit इज इक्वल टू 60 के गैप में, ध्यान से देखिएगा, 60 120। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 300 360 420 480 540 600 कहाँ तक जा रहे हैं, 720 तक, 660 720, ये जा रहा है 900 तक, 360, 420, 480, 540, 600, 660,
ये लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि 66 लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, 0 360, x की वैल्यू रहेगी 0, y की वैल्यू 360, तो ये हो जाएगा पॉइंट। 720 0, तो ये हो जाएगा 720। इस लाइन को मिला देते हैं, आपके पास स्केल रहेगा, आप मिलाइएगा स्केल से ना, तो ये लाइन होगी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 720। नेक्स्ट 5x प्लस 4y है ना, 0 450 एंड 360 0, इसको मिला देते हैं। हाँ जी, इसकी इक्वेशन हो गई 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 1800, 0 पे 900, ये हो गई 0 900 एंड 300 0, तो इसलिए तो बता देते हैं। थोड़ी टेढ़ी हो गई, 3x plus y less than equal to 900, ठीक है, लाइन मिल गई। अब देखिएगा ध्यान से, सारे सिंबल है लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू है तो हमें एक ऐसा रीजन ढूंढना है, ऐसा कॉमन एरिया ढूंढना है जो सारी इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ध्यान से सुनिएगा, हम इसके लिए एक पॉइंट लेंगे 0 0, यहां पुट करते हैं 0 + 0 इज लेस देन टू 900, यस राइट, 0 छोटा है कि 900 से, यस। तो जो कॉमन एरिया, मतलब इसका जो एरिया बनेगा वो यहां बनेगा, इट मींस इस लाइन के इस साइड टुवर्ड्स द ओरिजिन सेटिस्फाइंग जोन है, और इस साइड नॉन सेटिस्फाइंग जोन है, मतलब यहां का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहां का, यहां के हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका कॉमन एरिया ये हो गया, वैसे ही आप चेक करेंगे तो इसका भी कॉमन एरिया नीचे, इसका भी कॉमन एरिया नीचे, तो ओवरऑल कॉमन एरिया निकाल लेंगे। अच्छा एक बात और, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी पॉजिटिव जोन रहेगा, नेगेटिव जोन में नहीं जाएगा। तो देखें कॉमन एरिया क्या बनेगा, ये बन रहा है कॉमन एरिया, तो ये हमें कॉमन एरिया मिला। इस कॉमन एरिया के 5 पॉइंट्स हमें मिले, कितने 5 पॉइंट्स, कौन कौन से, 0 0, this is 300 comma 0, this is 300 comma 120, 0 comma 360, and ये point जो है ना, ये हम solve करके देखेंगे, ये दो equation को solve करेंगे, this one and this one, इन दोनों को जब solve करेंगे तो ये point मिलेगा, तो ये point आएगा, solve करके देखें, you get लगभग लगभग 200 के अप्रोक्स है, और ये भी 240 के अप्रोक्स है, बट ये पॉइंट कुछ और आएगा, हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कौन कौन सी लाइन से जा रहे हैं, इन दोनों से। तो 3x plus y is equal to 900, 5x plus 4y is equal to 1800, into 4 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12x plus 4y is equal to 3600, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 7x is equal to 1800 and x is equal to 257.14, ठीक है जी, तो x की वैल्यू हो जाएगी इसमें 257.14, 1.4 देते हैं, और y की आप सॉल्व करेंगे तो आपको 129 अप्रॉक्स मिलेगी, ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए, ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें कितने पॉइंट्स मिल गए, 5, ठीक है। सर ये कैसे सॉल्व किया आपने, ये अपेरेंटली दिख रहा है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करना आपको आता है, नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा जी। अरे आता होगा यार, सी फाइनल में अपन, हाँ 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है।
ठीक है ना जी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो देखते हैं किस पॉइंट पे मैक्सिमम आंसर आएगा। तो पॉइंट के नाम दे देते हैं, एक है 00, दूसरा 300, 257.257,129। ये मुझे उल्टा लग रहा है, 120,300 एंड लास्ट वन इज 0,360। तो देखते हैं किस में हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है। 00, 0 प्लस 0 0, 300 0, 300 इंटू 80 24,000। ये पुट करेंगे आप 257 इंटू 80 एंड 29 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 33,000 अप्रोक्स आएगा। एक बार आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। 120 इंटू 80 9,600 एंड 300 इंटू 100 30,000 39,600, 360 इंटू 100 36,000। तो हाईएस्ट प्रॉफिट आएगा ये, ठीक। ये एक बार चेक कर लीजिएगा इसका अप्रोक्स लिखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स, पहले कॉपी करेंगे आप।